अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर। और जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा है कि पाकिस्तान की सबसे सस्ती होलसेल ज्वेलरी की दुकान, आज हम ऐसी दुकान पे हैं कि जहाँ पे आपको लेडीज़ की भाई वैरायटी मिलेगी। आजकल सोना चांदी पहनना हर एक के वो जैसे कहते हैं ना बस की बात नहीं है। तो हम पाकिस्तान की सबसे सस्ती ज्वेलरी नूरानी ज्वेलर्स पे आए हैं और इनके पास हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमारा बिजनेस स्टार्ट करने में हमें एक धक्का, हमें एक बूस्टअप दे सकते हैं। हमजा भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। हमजा भाई, थोड़ा सा बताएं कि आजकल तो भाई सोना चांदी तो हम पहन नहीं सकते, तो किस तरह ये इमिटेशन ज्वेलरी का हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? इमिटेशन ज्वेलरी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल सोना चांदी तो लोग नहीं ले सकते, बिल्कुल तो इमिटेशन ज्वेलरी ही चलती है। ठीक है, तो इसी के चलते हम ये कुछ लेके आए ज्वेलरी इस तरह की। तो ये हमारे पास ज्वेलरी अवेलेबल है हर तरह की इमिटेशन में, जिसमें ये आ जाती है 1 कैरेट की ज्वेलरी आ जाती है, इंडियन ज्वेलरी, उसके अलावा चाइना की, फिर पाकिस्तानी मेड जो हम खुद तैयार करवा रहे हैं वो इस तरह की, इसमें कैजुअल। अच्छा, इसमें चाइना की भी है और आप खुद भी रेडी करवा रहे हैं? जी, खुद ही। तो इसमें हर तरह की हमारे पास ज्वेलरी अवेलेबल है, जिसमें यानी कि इंडियन भी आ जाती है, ये चाइना की भी आ जाती है और ये 1 कैरेट सब कुछ आ जाता है इसमें। अच्छा, हम तो भाई हमारा तो सीधा सा क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे स्टूडेंट्स, हमारे देखने वाले व्यूअर्स अगर ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या प्रॉफिट रेशियो मिलता है, क्या कितने पैसे से वो स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आप अगर तो आपके पास पैसे वगैरह हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो इसके लिए हमारा ये है कि हमारे पास ये शूटेड पिक्चर्स अवेलेबल होती है। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप हमसे ले सकते हैं, हम आपको बेसिकली हमने कम्युनिटी बनाई हुई है, तो उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, डेली बेसिस पे हम अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको पिक्चर्स आ जाएंगी, वो आप अपने पेज वगैरह पे लगाएं, जो भी आपने पेज साइड वगैरह पे लगाए आप, तो वो अगर आपको कोई आता है ऑर्डर वगैरह तो वो हमसे आप। भाई ये तो नूरानी ज्वेलर्स वालों ने ना वो जिसे कहते हैं मोजे ही करवा दिए हैं कि अगर आपके पास बिजनेस के पैसे नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ इनसे तस्वीरें लेके, इनसे पिक्चर्स लेके अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मसलन आपकी चीज बिके आप इनसे मंगवा लें, आपकी चीज बिके, ये आज से पहले तो मेरे हाथ से किसी भी बंदे ने ये कमिट नहीं किया होगा कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप हमसे तस्वीरें लो और तस्वीरों के रेट्स लो, आप वहां से प्रोडक्ट ले सकते हो। हमजा भाई, फिर भी अंदाजन मुझे बताइएगा कि इमिटेशन ज्वेलरी मिनिमम कितने प्राइस में और मैक्सिमम कितने प्राइस में? ये इसमें तो वैसे बेसिक क्वालिटी का हिसाब होता है, कोई अच्छी ज्वेलरी होती है, कुछ जैसे कि ब्राइडल होती है, ब्राइडल वेयरिंग वो कॉस्टली भी होती है और उसमें नॉर्मल भी होती है, जैसे होम वेयर होती है जैसे कि हम घर में पहनने के लिए लेते हैं वो प्राइस में होती है 100-120 यहाँ से स्टार्ट होती है, 10 रुपये से भी इस तरह की ज्वेलरी भी हमारे पास अवेलेबल है, 10 रुपये से स्टार्ट होती है। तो हर तरह की ज्वेलरी अवेलेबल है, जिस तरह की आप चाहेंगे हमारे पास। फिर भी हमें एक छोटा सा आइडिया दीजिएगा कि लेट्स सपोज अगर मैं ये 100-200 वाली जैसा आपने मुझे बताया उसे हम ई कॉमर्स पे कितने का सेल कर सकते हैं? वो उसमें आप कम से कम आप अपना मार्जिन रख के उसको, जैसे कि 10 रुपए की चीज है तो वो आप कम से कम 60 रुपए की, 70 रुपए की, 100 रुपए की भी आप सेल कर सकते हैं अपना मार्जिन रख के। तो जिस तरह की हम भाई आप क्या ये सोचते हैं कि ये वो काम है जिसे हम ऑनलाइन स्टार्ट करें तो हमें बूस्टअप मिलता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो स्टूडेंट्स है ना वो ज़्यादातर आके यही कहते हैं कि सर जो आपने बात की, जो आपने स्टार्ट ही इस बात से किया कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आओ मैं आपका बिजनेस स्टार्टअप करवाता हूँ, मैं आपका वो स्टार्ट टैंक बनता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लेट्स सपोज अगर ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ इमिटेशन ज्वेलरी का, तो इसे ई कॉमर्स पे बूस्टअप के लिए मुझे कम अज कम कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम दरकार होना चाहिए? टाइम का तो इसमें कोई भी है नहीं, इसमें कोई भी मसला, लेकिन आप ये है कि हमारी जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं आप वो हमसे आप लेके जा सकते हैं, उसमें आप अपने पेज वगैरह पे लगाएं उसको। ठीक है, तो जो आपको ऑर्डर वगैरह आता है वो हमसे आप परचेज कर लें। ठीक है, तो उसका ये है कि हम भाई ये मैं बार बार सेट देख रहा हूँ, ये कौन सा, ये सेट के बारे में थोड़ा सा बताइए। 1 कैरेट का सेट है, इंडियन सेट, ये कियारा आडवाणी है मॉडल, तो वो एक्ट्रेस, ये उसका सेट है, ये उसने वेयर किया था, तो इस वजह से भी ये काफी मशहूर है सेट, और ये हमारे पास अवेलेबल है, इसमें कलर अवेलेबल है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप फिनिशिंग इसकी, इंडियन बना हुआ है, ये इंडियन बना हुआ है, इसकी पॉलिश बड़ी ही कमाल कर, फिनिशिंग देखें इसकी, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, जो आपने पहना हो तो आपकी शख्सियत पे देखे 4 चांद लगा सकते हैं, ये सेट अवेलेबल ये है, जबरदस्त है, और इसकी इसमें साइजिंग भी है, कलर्स भी है इसमें, साइज भी है, तो वो फिर उसके हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस चल जाती है, उसको बड़ा साइज होता है उसकी ज्यादा प्राइस होती है, जो छोटा साइज होती है उसका कम प्राइस होती है, तो ये साइज के हिसाब से। भाई मेरे ख्याल से आज से पहले आपको कोई ऐसा होलसेलर जो बंदा है उसने आके ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी होगी
कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी कम्युनिटी ज्वाइन करें, उनके साथ कॉन्टेक्ट करें, उनसे तस्वीरें लें, आप उसे ई कॉमर्स पे बेचें और पैसे कमाएं। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस तरह के बिजनेस आइडियाज ही लेके आ सकते हैं, बाकी मेहनत तो आपने करनी है। ये अपॉर्चुनिटी आज से पहले कभी किसी ने नहीं, बल्कि इंटरनेट पर नहीं कभी किसी ने दी होगी कि भाई आप तस्वीरें ले लें। इवन के तस्वीरें भी कोई अपनी शेयर नहीं करता, इवन के मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कोई किसी के साथ अपना बिजनेस आइडियाज भी शेयर नहीं करता। आप हमजा भाई से, नूरानी ज्वेलर से कॉन्टेक्ट करें, ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और आप इसे ऑनलाइन बेच के घर बैठ के अपने पैसों में बरकत डाल सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम।